हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार जनरली जब आप मेरे चैनल पर आते हैं तो हम बात करते हैं फीचर्स की, टिप्स एंड ट्रिक्स की किसी ना किसी फ़ोन के बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात तो करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, लेकिन किसी फ़ोन की नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की। मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, एक ऐप की हम बात करेंगे जिसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब यार मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, जॉब शुरू की है, तो मैंने अपने आसपास काफ़ी लोग देखे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको डर लगता है कि यार कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, खतरनाक है, या फिर कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। वो हर दूसरे लोग से पूछते रहते हैं कि यार कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, कहां जाके इन्वेस्टमेंट करूं। यार मेरे को हैरानी होती है कि आज के ज़माने में जब हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलता है, क्यों लोगों को इतना डाउट है। तो आज इस वीडियो में देखते रहिए, जो भी लोग आप देख रहे हैं इस वीडियो को, बड़ा ही एक आसान तरीका है। ग्रो ऐप के बारे में शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐप बहुत ही आसान तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ कर देती है। तो यार आज के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स आपको देखने के लिए मिलती हैं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब सेफ है या नहीं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे आप कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदों की कि फ़ायदे क्या हैं। पहली चीज़, आपकी यार फालतू की दौड़ भाग बच जाती है, आपको किसी के पास जाना नहीं है पूछने के लिए, आपको कोई बैंक में नहीं जाना, किसी बंदे के पास नहीं जाना। दूसरी चीज़, आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करना, आपको खुद इन्वेस्ट करना है, खुद सोचना है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, जो कि बहुत आसान है। लेकिन इस ऐप के बारे में जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ उसमें और भी काफ़ी सारी खासियतें हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रो ऐप की। दोस्तों ग्रो ऐप को अगर आप यूज़ करेंगे और क्या क्या, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि और क्या क्या एडवांटेजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली चीज़, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको इन्वेस्ट करना है, किसी को कोई भी फालतू रुपए नहीं देने। जनरली आपने देखा होगा कि अगर आप म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बीच के लोग जो है काफ़ी पैसा दे जाते हैं और उसी चक्कर में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इस ऐप का अगर आप प्रयोग करेंगे, कोई भी फालतू खर्चा आपको नहीं देना। दूसरी चीज़, अपना अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए आपको कोई भी पेपर नहीं चाहिए, आपको किसी को भी कोई कागज़ सबमिट नहीं करना, जस्ट पेपरलेस आप सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको जस्ट अपना आधार, पैन और ये सब चीज़ें एंटर करनी है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है और उसके बाद डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी पेपर वर्क नहीं है, कोई भी हेक्टिक काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना और डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप ऐप में चले जाएंगे, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऐप ऑन करके जल्दी से ऐप के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों शुरू में ही आपको एडवाइस देखने के लिए मिल जाएगी, आपको सजेशंस देखने के लिए मिल जाएंगी कि अभी जो टॉप फंड्स हैं वो कौन से चल रहे हैं, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को ओपन कर देंगे तो उसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.8% का आपको रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 13.5% तक का रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, और 5 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 11% तक आपको रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड से रिलेटेड है। उसके बाद आपको रिलायंस लार्ज कैप फंड देखने के लिए मिल जाता है। ज्यादा अच्छे वे में अगर मैं बोलना चाहूं तो ये सजेस्ट नहीं करता, हालांकि आपको हिस्ट्री का डाटा आपको दे देता है कि हिस्ट्री जो है इन फंड्स की वो क्या रही है, और अगर आप हिस्ट्री को कंसिडर करें तो कैसे रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ यहां पर जाएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बेटर देन एफडी एक इन्वेस्टमेंट प्लान देखने के लिए मिल रहा है, रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि कितने रिटर्न हैं, और यहां पर हाई ग्रोथ वाले प्लान्स भी हैं, हाई रिटर्न वाले प्लान्स भी हैं, किसी में रिस्क ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। दोस्तों एक और फायदा इस ऐप का जो है वो ये है कि इस ऐप में आप UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट इस ऐप के थ्रू अगर आप करते हैं और डायरेक्टली UPI से कर पाएंगे, मतलब गूगल पे, भीम UPI, फोन पे, ये सब जो UPI पेमेंट्स हैं वो आप यूज़ कर पाएंगे। उसी के साथ क्योंकि आप UPI पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा सिक्योर भी हो जाती है। तो ये जो ऐप है दोस्तों इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। आपने जनरली किसी भी ऐड में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
प्लीज रीड ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी क्लियरली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये चीज़ सच है, देखो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, क्या फ्यूचर रहने वाला है और क्या क्या रिस्क उसमें हो सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यार इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि आप जितनी अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो पूरा 50,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, और इतना इन्वेस्ट करने की तो ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप सिर्फ 5-7 हज़ार भी महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो आप 10-20 साल बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ये चीज़ मैं एडवाइस करूंगा कि लंबे टाइम के लिए आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे और रिस्क आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए लेकिन लंबे टाइम के लिए कीजिए ताकि आपको बेटर रिटर्न्स मिल पाए। तो यही था इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुछ सवाल हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।